आगे क्यों रुबीना दिलैक को किया जा रहा है दिव्यांका त्रिपाठी से कंपेयर, चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में। हेलो एंड हाय एवरीवन, दिस इज केशवर, वेलकम टू आवर चैनल। वेल, रुबीना दिलैक काफी ज्यादा चर्चाओं में है क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्टेंट है और हर सीजन में एक कॉन्टेस्टेंट ऐसा होता है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी उसकी होती है और जो फैंस के दिलों में जगह बनाता है। वेल, रुबीना दिलैक उनमें से एक है जो कि फैंस के दिलों में उन्होंने जगह बनाई है और हर एक स्टंट से उन्होंने कहीं ना कहीं अपने फैंस का दिल जीता है। वेल, रुबीना दिलैक जो कि काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है, अब यहाँ पर रुबीना को कंपेयर किया जा रहा है दिव्यांका त्रिपाठी से। वेल, मैं आपको बता दूं कि खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 में दिव्यांका त्रिपाठी जो कि धाकड़ गर्ल का टैग जो है उन्हें मिला था, हर एक स्टंट उन्होंने बहुत बखूबी से किया था और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि दिव्यांका ही उस सीजन को जीतेगी, लेकिन एंड टाइम पर आते आते जो है कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो है वो दिव्यांका त्रिपाठी का लूज हुआ और जिसकी वजह से अर्जुन बिजलानी उसे जीते। वेल, यहाँ पर अर्जुन बिजलानी ने जहाँ ट्रॉफी जीती, वहीं अब जो है दिव्यांका त्रिपाठी से कंपेयर किया जा रहा है रुबीना दिलैक को। वेल, मैं आपको बता दूं कि जहां पर सीजन 12 में रुबीना दिलैक काफी स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्टेंट नजर आ रही हैं और ऐसे में दिव्यांका त्रिपाठी से इसलिए कंपेयर किया जा रहा है और कहीं ना कहीं फैंस भी और यूजर्स भी ट्रोल कर रहे हैं रुबीना दिलैक को, वो इस वजह से क्योंकि स्टार्टिंग में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नजर आ रही है, लेकिन ऐसा ना हो कि आगे आते आते रुबीना की हालत भी दिव्यांका जैसी हो और वो अपना कॉन्फिडेंस खो बैठे और जो है कोई और सीजन जीत जाए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है रुबीना को लेकर फैंस कंसर्न है और बहुत सारी उम्मीदें जो है फैंस को रुबीना से है, लेकिन देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये सीजन कौन जीतता है और रुबीना कब तक इस शो में बनी रहती है, क्या वो ट्रॉफी जीतती है या नहीं जीतती है। वेल, बिग बॉस सीजन 14 जो है रुबीना दिलैक ने अपने नाम किया, लेकिन क्या खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 रुबीना दिलैक अपने नाम कर पाती हैं या नहीं, देखना इंटरेस्टिंग होगा। वेल, आपकी क्या रिएक्शन रहा इसको लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। बॉलीवुड टेलीविजन और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।